हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गैजेट्स टेक्निकल और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज मेरे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू करूंगा। इस प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट जो है वो 3-in-1 प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल टॉर्च लाइट की तरह कर सकते हैं, इसको आप इमरजेंसी लाइट की तरह, लालटेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोडक्ट को आप एज अ पावर बैंक की तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। बात करें प्राइस की, तो प्राइस जो है वो 250 से लेकर 350 तक आपको ये ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो लिंक का आप इस्तेमाल करके भी इस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर करने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से इस प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, किस तरह से इसकी आपको बैटरी बैकअप मिलेगी और किस तरह से ये प्रोडक्ट आपको यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉर्च लाइट के बारे में। तो प्रोडक्ट को सामने की तरफ देखेंगे तो आपको एक LED बल्ब दिया गया है और पूरा ही शेप जो है और टॉर्च लाइट की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको एक ब्लैक कलर का स्विच दिया गया है। इस स्विच को आप प्रेस करेंगे तो आगे जो है वो टॉर्च लाइट ऑन होगा, और इसको वापस से अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ होगा। तो ये स्विच जो है वो बेसिकली ऑन ऑफ स्विच है। इसका आप इस्तेमाल ऑन ऑफ करने के लिए, टॉर्च लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक हैंडल भी दिया गया है जो कि स्टेनलेस स्टील का है। इस हैंडल का इस्तेमाल आप इसको पकड़ने के लिए कर सकते हैं। और बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे खेत में, गांव में आपने देखा होगा कि इस तरह की इमरजेंसी लाइट जो है वो लोग हाथ में लेके जाते हैं और इस तरह से जो है उसको पकड़ते हैं। इस प्रोडक्ट का शेप अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उस टॉर्च लाइट की तरह आपको देखने को मिलेगा। जब भी इसको आप हाथ में पकड़ेंगे, और जब इसको हाथ में पकड़ के आप जैसे ही इसको टर्न करेंगे, तो आपको ऐसे ही फील आएगा कि आपने ना टॉर्च लाइट हाथ में पकड़ा हुआ है। और ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में इस तरह की टॉर्च लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे गांव साइड आप जाएंगे तो आपको इस तरह की जो है टॉर्च लाइट आपको हाथ में पकड़े हुए रात के टाइम पे देखने को मिलेगी। और इस तरह से जो है इसका आपको लुक और फील जो है पूरा ही टॉर्च लाइट की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा हैंडल भी यहाँ पे मिल जाता है ग्रिप के लिए। और साइड में आप देखेंगे तो दो और हैंडल आपको मिल जाएंगे। ये दोनों ही हैंडल को आपको मिलाना है और हल्के से ऊपर की तरफ आपको प्रेस करके है ना खोलना है। अब जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ प्रेस करके खोलेंगे, आपको पूरा ही शेप जो है इसका लालटेन की तरह पूरा ही शेप आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, और पूरा ही ये जो है वो लालटेन शेप में बदल जाएगा। तो अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा है, यहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छा ग्लो करने वाला यहाँ पे आपको एक बल्ब यहाँ पे नज़र आएगा। बेसिकली ये बल्ब नहीं है, इसके नीचे ही ऊपर की तरफ आप पैनल में देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी जो है LED लगी हुई है। वो LED का इतना अच्छा ग्लो आ रहा है कि पूरा ही आपको बल्ब की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा ग्लो है। अगर आप कंपेयर करेंगे टॉर्च लाइट से, तो टॉर्च लाइट में बीच में एक छोटा सा LED दिया हुआ है, उसके कंपेयर में अंदर में जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 से 4 या 5 6 LED यहाँ पे दी गई है, और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्लो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ग्लो देखने को मिलेगा। आप लालटेन की तरह यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ग्लो नज़र आएगा। अब अगर आप टॉर्च लाइट की तरह यूज़ करने जाएंगे तो इतना अच्छा आपको इसमें जो रोशनी का जो आउटपुट है, जो टॉर्च का जो आउटपुट है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसकी अगर क्वालिटी देखेंगे तो पूरा ही प्लास्टिक मेड है, पूरा ही प्लास्टिक से बना हुआ है। सोलार के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी हुई है, इसका इस्तेमाल आप इसमें जो बैटरी लगा हुआ है उसको चार्ज करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर इसको आप धूप में रखेंगे तो सोलार से जो है वो आप चार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो इनबिल्ट इसमें बैटरी है। इसमें 1800 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर 1800 mAh का रिचार्जेबल बैटरी इसमें आपको मिल जाएगा। इस बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है तो आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे चार्ज करने के लिए। इसके साथ एक आपको पावर केबल मिल जाता है जो चार्जिंग केबल है, इसकी मदद से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको सोलार में धूप में रख के भी इसको सोलार स्ट्रिप से भी आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चार्जिंग केबल से चार्ज करते हैं तो 3 से लेकर 5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। सोलर स्ट्रिप से चार्ज करने के लिए मैंने इसको पूरा दिन मैंने धूप में रखा, और धूप में रखने के बाद मुझे कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये फुल चार्ज हुआ या नहीं चार्ज हुआ, क्योंकि मैं जब भी इसको चार्ज पे लगाता हूँ तभी तो यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट है वो इंडिकेट करती है कि ये जब चार्जिंग में है तो चार्ज हो रहा है, लेकिन ये फुल चार्ज होने के बाद ये इंडिकेट नहीं करती है। तो मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि कितना टाइम इसको चार्जिंग में लगता है, लेकिन एक मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 3 से लेकर 5 घंटे के बीच में ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जो है इसमें काफ़ी छोटा है, 1800 mAh का बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, तो 3 से 5 घंटे में हो जाना चाहिए ये चार्जिंग पूरी तरह से। और चार्जिंग होने के बाद मैंने ये जो लालटेन है ये कंटिन्यू मैंने चालू रखा,
तो 12 से 15 घंटा ये कंटिन्यू चलेगा जहां तक मेरा मानना है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं मोबाइल चार्जिंग के बारे में। तो इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करके क्या आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, क्या इतना बैटरी बैकअप ये दे सकता है कि आपके डिवाइस को ये चार्ज कर पाए? गाइज, ये 3 से 4% मेरे फोन को इसने चार्ज किया है, तो ये चार्ज करने के लिए जरा सा भी यूजफुल नहीं है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही नहीं है मोबाइल चार्जिंग के लिए। हाँ, आप एक प्रोडक्ट एक ही चीज़ के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये लालटेन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और ये मेट्रो सिटीज़ वगैरह में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे जो गांव है वहाँ पे ये प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छे से ये इसका इस्तेमाल हो सकता है और काफ़ी ये प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि कितने ऐसे गांव है जहाँ पे 5-6 घंटा जो है वो लाइट चली जाती है, बिजली रहती नहीं है, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा इस्तेमाल में आने वाला है। क्योंकि ये प्रोडक्ट को मैंने देखा है कम से कम 12 से 15 घंटा जो है ये आपको कंटिन्यू ग्लो देने वाला है, कंटिन्यू और अच्छे से। 15 घंटे के बाद जो है इसका ग्लो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बैटरी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो है वो ग्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 12-15 घंटा, और ज़्यादातर गांव में देखा है मैंने 10 से 12 घंटा या 6-7 घंटा जो है वो बिजली चली जाती है, तो वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल आपको हो जाएगा। क्योंकि इसमें बैटरी जो है वो 1800 mAh का है और LED का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो बल्ब है वो छोटा सा LED है, तो उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा ग्लो देता है और ज़्यादा टाइम तक जो है ये ग्लो देता है, और पॉसिबल भी है। क्योंकि आप देखेंगे तो बैटरी जो है 1800 mAh का है और LED का जो बल्ब है वो बहुत ही छोटा सा रहता है, तो उसकी मदद से ये ज़्यादा ग्लो देता है। तो और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। हाँ, मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि अगर आप इसको चार्जिंग के लिए आप ले रहे हो एज अ पावर बैंक की तरह, एज अ मोबाइल चार्ज के लिए, तो आप इसको ज़रा सा भी मत सोचिए लेने का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है प्रोडक्ट। हाँ, और क्वालिटी की अगर बात करें तो 250 rupees में आपको इतना मिल गया और क्या चाहिए आपको। अगर 15 घंटा अगर आपको ये कंटिन्यू अगर आपको ये ग्लो दे रहा है, उजाला दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और काफ़ी यूज़फुल ये बहुत सारे गाँव में हो सकता है। आप अगर सिटीज़ में रहते हो तो आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता चलेगा कि ये 250 rupees में कितना यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। इसको आप गांव में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल एक हो सकता है, अगर आप रात में सो रहे हो तो एज अ नाइट लैम्प की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कहीं पे भी हैंगिंग कर सकते हैं, क्योंकि लालटेन है, ये कहीं पे भी हैंगिंग हो जाएगा, कहीं पे भी टेबल पे आप रख भी सकते हैं इसको, और एज अ नाइट लैम्प की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, इसमें अगर बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं, अगर आपको कलर मिल जाए तो आप वो कलर का इस्तेमाल करके भी आप अपने घर के हिसाब से, अपने घर के फर्नीचर और आपके जो भी फर्निशिंग के हिसाब से आप अच्छे से कलर लेके भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा दिखेगा ये एक शो पीस की तरह, बहुत ही अच्छा ये दिखने में, लुक में काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो उस तरह से भी आप अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। 250 rupees में मैं बोलूँगा वर्थ है, अगर आप लेना चाहें तो, सिर्फ और सिर्फ लालटेन के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये एज अ नाइट लैम्प, या फिर आप एक इमरजेंसी लाइट के लिए ले सकते हैं। पावर बैंक के लिए लेंगे तो ज़रा सा भी मत सोचिए, अगर आपको एज अ पावर बैंक के लिए आप सोचेंगे कि कभी कभी इमरजेंसी में आपको काम आ जाएगा, कि कभी कभी हो सकता है इमरजेंसी में आपके फ़ोन को चार्ज करना पड़े और इससे चार्ज हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैं इसको एज अ पावर बैंक की तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, एज अ लालटेन की तरह, एज अ इमरजेंसी लाइट की तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट वर्थ है, आप ले सकते हैं इसको। सो गाइज, ऑल ओवर इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोडक्ट आप 250 rupees में ले सकते हो, और सिर्फ आप लालटेन के लिए, इमरजेंसी लाइट के लिए आप ले सकते हो। आप अगर टॉर्च लाइट के लिए भी सोचेंगे तो आप मत लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि टॉर्च लाइट का इतना जो ग्लो है वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, आप जब इसको ओपन करेंगे एज अ लालटेन की तरह यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको ग्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा उजाला और रोशनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप ले रहे हो टॉर्च लाइट के लिए, या फिर आप ले रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने रिव्यू कर चुका हूँ मैं मेरी चैनल पे, आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट का आप रिव्यू देख सकते हैं। पर अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए गैजेट्स टेक्निकल।